नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नई वीडियो में। सवाल आप लोगों के हैं, जवाब मेरा होता है, और सवाल कुछ इस तरीके के हैं तो उनका जवाब भी थोड़ा सा अच्छा देना चाहिए मुझे। और भाई का एक सवाल है कि लेयर स्टाइल पर वीडियो बनाओ, लेयर स्टाइल क्यों है, कैसे काम करता है और क्या क्या इसका तरीका होगा। तो चलो देख लेते हैं, भाई के सवाल का सही से जवाब देते हैं। ये वीडियो CS3 में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आए। CS3 का सेम वीडियो फोटोशॉप 7.0 में भी चलता है, CS3 का CS2 और CS6.5 तक के भी चल जाता है। तो देखते हैं, स्क्रीन पे मैंने एक फ़ोटो लिया है, भाई का कमेंट भी दिखा देता हूँ। ये है, भाई ने बोला है कि लेयर स्टाइल पे फुल वीडियो चाहिए, इस वाले वीडियो पे बोला है, इस वाले उस पर बोला है, इस वाले पोस्ट पे बोला है, लास्ट वीडियो डाला था इसमें भाई ने बोला है। तो कोई बात नहीं, चलो बनाते हैं और सिखाते हैं। तो ये जो फ़ोटो लिया है मैंने, ये JPG फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो कर सकते हैं। इस पे लेयर स्टाइल जैसे चलाने आएंगे आप लोग, ये है लेयर स्टाइल, लेयर में आएंगे, ये है लेयर स्टाइल, स्मार्ट फिल्टर्स और लेयर स्टाइल, तो ये अलाउड नहीं हो रहा है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर भी लेयर स्टाइल अलाउ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ से पहले इसको अनलॉक करने बोल रहा है, ठीक है। यहाँ डबल क्लिक करने पर अनलॉक होता था पहले, पर अब नहीं होता। आल्ट के साथ डबल क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अनलॉक करने के पहले या बाद अनलॉक कर देंगे, मान लो इसको कंट्रोल जे के साथ कॉपी कर लेते हैं, जो डुप्लीकेट कर लेंगे, तो ये हो गया अनलॉक। अब इस पर लेयर स्टाइल काम करेगा, देखेंगे। ये जो है ब्लेंडिंग ऑप्शन मोड या फिर लेयर स्टाइल, यहाँ से आएंगे और ये लेयर स्टाइल चालू हो गया, ठीक है। इस पर काम करेगा लेयर स्टाइल मोड, ठीक है। तो ये ना करते हुए हम इसको कट कर देते हैं। इस पर कटिंग करके रखा हूँ मैंने, ये आपको कैसे पता पड़ा, मैंने किया हूँ ना भाई, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलता। एक तरीका है, यहाँ से आएंगे पैच टूल, पैच में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाथ आ जाता है, पाथ में क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेंगे। कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा, एक्टिवेट हो गया है, और कंट्रोल शिफ्ट F6 के साथ 1 का फेदर देके इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, कॉपी यहीं पर कर लेता हूँ, पेस्ट भी यहीं पर कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लेयर स्टाइल बना लिया, ठीक है, सॉरी, यहाँ से कॉपी और पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट हो गया फोटो। अब ये जो पेस्ट हुआ है, ये बन गया एक नया लेयर, ठीक है। अभी नया लेयर तो बन गया है, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लेयर बन गया है। अब इस लेयर पे हमको कोई काम करना है, मान लो जैसे मेरे को इस लेयर पे चाहिए कि थोड़ा सा मैं ड्रॉप शेडो बढ़ा देता हूँ या और भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती है लेयर स्टाइल की, सिर्फ यहीं से चलती है। ब्लेंडिंग ऑप्शन मोड में आना होता है, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो ब्लेंडिंग ऑप्शन मोड आपको दिखेगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ पर जैसे आएंगे तो लेयर का पूरा मैकेनिज़्म, इस फोटो का पूरा मैकेनिज़्म यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अगर इसको हटाना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे यहाँ से कई सारी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन मोड में आ गए और इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है तो इस बटन को इधर लेके जाएंगे, इस बटन को इधर लेके जाएंगे तो आपको चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे, देखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से चेंजेस दिखने मिलते हैं, पूरा भी गायब कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बता देता हूँ कि लेयर स्टाइल मोड में आने के बाद आप क्या क्या काम करेंगे। तो बहुत सारे काम हैं, जैसे यहाँ से गए लेयर स्टाइल मोड में आ गए, मेरे को चाहिए थोड़ा सा शेडो चाहिए इसमें। अब ये फोटो तो ओरिजिनल खींची हुई लेकिन फिर भी शेडो चाहिए, ड्रॉप शेडो में क्लिक करता हूँ मैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस साइड में एक ड्रॉप शेडो आ गई है, देखेंगे यहाँ से हट गई अभी इसको। अब इसको 100% करके इसको नॉर्मल कर देता हूँ सबसे पहले मैं, और अब इसको ला लेता हूँ। देखो ये शेडो बन गई, सेम शेडो बन के यहाँ तैयार है, ड्रॉप शेडो का बेनिफिट ये, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ड्रॉप शेडो। अब दूसरी चीज़, इसको बड़ा छोटा करना है, किधर लेके जाना है, किधर लाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको नज़र आएगी। अब फिर उसके बाद में क्या करना है, इनर शेडो का मतलब होता है कि ये शेडो अंदर की तरफ, जैसे इसको अंदर की तरफ इनर शेडो में क्लिक करूँगा और इसको नॉर्मल करके इसको करूँगा तो अंदर की तरफ शेडो करेगी, देखेंगे। अंदर की तरफ का मतलब समझ में आ रहा है, ये अंदर शेडो बनाएगा, देखेंगे। ये शेडो ये फोटो के अंदर बना रहा है, ना कि बाहर, जैसे इसको हटा देंगे तो ये अंदर बना रहा है, जहाँ से आपने कट लगाया है वहाँ से अंदर शेडो बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से बनाता है। फिर उसके बाद आउटर ग्लो का मतलब होता है इसके बाहर में चारों तरफ सेम 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 चीज़ें करना, सेम ब्लैक कलर या कोई भी कलर, येलो कलर जो भी डालना है, देखेंगे। ये आउटर ग्लो होता है, इससे क्या हुआ कि ये चारों तरफ सेम पोजीशन में ये एक कलर इफेक्ट डाल के तैयार कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इनर ग्लो का मतलब होता है अंदर अंदर साइड में
वैसी कलर का, किसी भी पर्टिकुलर कलर का वो लगा सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे, देखें अंदर साइड में ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्या होता है कि कई सारी चीज़ एम्बॉसिंग में ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, देखेंगे जैसे ये जो है थोड़ा सा एक अजीब सा लुक आया है, मतलब अजीब सा वो हो गया, इफेक्ट आया है, जो कि टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, एम्बॉस में कई कई टेक्सचर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो चीज़ें आप लोगों को किसी पर्टिकुलर शेप को बनाना है, किसी फॉन्ट को बनाना है, या किसी डीएम में किसी ज्वेलरी को हाईलाइट कराना है, तो इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे लगाया जाता है और एम्बॉस लेवल पे इसको बनाया जाता है। फिर टेक्स्चर वगैरह भी है इसमें। और यहाँ से इस टूल में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बहुत सारी उपयोग कर सकते हैं इस टूल का, जैसे एजेस वगैरह लाना है, कुछ और करना है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है, ठीक है। और कलर ओवरले का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई भी पर्टिकुलर कलर चाहिए तो उसका अगर आप सेम कलर डालना चाहते हैं उसके ऊपर, या कोई और कलर, जैसे मैं यहाँ येलो कलर का, इस कलर का इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो ये पता नहीं पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आपने इफेक्ट लगाया है। जैसे मैं इसको 100% भी कर दूँगा तो समझ नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से लगाया गया है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से इसका उपयोग होता है। मैं यहाँ पे सॉफ्ट लाइट में इसका उपयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आ सके। तो ये क्या होता है, मैच कर लेता है पूरा बैकग्राउंड के कलर के साथ में। अब ये हो गया दूसरी। फिर ग्रेडियंट ओवरले भी कैसे काम करता है, ग्रेडियंट ओवरले भी सेम काम करता है। जैसे आपने कोई इफेक्ट चलाना है नीचे से या कोई और चीज़ों से, तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि वो ठीक से इफेक्ट चल जाएगा बहुत ही मज़ेदार तरीके से। इसको इधर पर रिवर्स कर देते हैं तो नीचे से इफेक्ट कर रहा है, देखो। तो इस तरीके से ये काम करता है। फिर पैटर्न ओवरले भी सेम काम करता है। यहाँ से अगर इसको और एडजस्ट करेंगे तो पैटर्न ऐसे काम करेगा। जैसे कभी किसी पर्टिकुलर फोटो में वाटर मार्क लगाना है तो इस तरीके से इसका पैटर्न ओवरले का उपयोग करके पूरे इमेजेस पे कोई भी एक टेक्स्ट का नाम या कोई भी चीज़, जैसे मैं यहाँ से एक पीएस का लोगो लगा देता हूँ तो पूरे फोटोवर में पीएस का लोगो जो है वो लग चुका है। तो ऐसे पैटर्न बनाना होता है पहले, पैटर्न बनाने का भी एक अलग तरीका है, अलग चीज़ें अलग तरीके से काम करती है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ काम करेगी। फिर उसके बाद में स्ट्रोक का बटन है, स्ट्रोक के बटन में आएंगे तो इनसाइड करेंगे, आउटसाइड करेंगे तो बॉर्डर जो है आउटसाइड आएगा। जैसे वाइट कलर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी कलर ठीक है, ये बॉर्डर जो है आउटसाइड आएगा ना कि इन अंदर में करेगा, ठीक है। और इनसाइड में क्लिक कर दूंगा तो फिर अंदर की ओर बॉर्डर बनाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर उसके बाद में सेंटर में क्लिक करूंगा तो दोनों साइड बॉर्डर बनाएगा, अंदर भी और बाहर भी। पर अंदर और बाहर सेंटर में करने का नुकसान ये है कि ये जो बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, ये डिस्टर्ब कहाँ करता है, दोनों साइड एरिया करता है, और बीच में जैसे कट नहीं लगाता है, ये पूरा राउंड शेप में रहता है। तो इसलिए मैं सेंटर का उपयोग नहीं करता, या तो मैं आउटसाइड का करूँगा या तो इनसाइड का, लगभग मैं इनसाइड का ही करता हूँ 90% टाइम। बस हो गया, यही काम होता है इन सब चीज़ों का। इसे आउटर ग्लो लगा के, ड्रॉप शैडो लगा के इसको ओके क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से लेयर स्टाइल चलाया जाता है। लेयर स्टाइल चलाने का और कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ यही मैकेनिज्म है जो मैंने आप सभी लोगों को बताया। और कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी बात हो सकती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी समस्या आती है आप लोग मुझसे सवाल जवाब करें, मैं पूरे सवालों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय भीम।